दोस्तों शायद पर देख रहे होंगे, साइड में एक कार्टून चल रहा होगा, पर एक कार्टून नहीं है, एक मूवी है जो कि कार्टून के बेस पर बनाई जाती है। जो कि जब बच्चे लोग होते इस टाइप के कार्टून बहुत ज़्यादा देखते हैं, और ये जो कार्टून है एक तो गंदगी होती है। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का कार्टून कैसे बनाना, और आप सिर्फ 5-6 वीडियो में आपका चैनल अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो। मैं आपको लाइव प्रूफ एग्जांपल भी दिखा देता हूँ कि एक चैनल है जो कि सिर्फ 5-6 वीडियो में अच्छी तरीके से ग्रो कर दिया है, और उनके 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। जैसे कि आप साइड पर देख सकते हो, मैं यूट्यूब पर आ चुका हूँ और आपको मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा उस चैनल। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ, कार्टून मूवी इन हिंदी, जैसे सर्च करा दिया, आपको उनका चैनल आ चुका है। मैं उनके चैनल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो 6-6 वीडियो अपलोड हुए, और उनके सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 1 लाख से ज़्यादा उनका सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जो कि 1 लाख हो जाता है तो आपको मिलता है एक सिल्वर प्ले बटन, जो कि आप लोगों को पता होगा क्योंकि आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो। तो इन्होंने 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर बन चुके हैं, और इन्होंने सिल्वर प्ले बटन भी ले लिया है। स्क्रीन की वीडियो पे आ जाता हूँ, आप देख सकते हो पहले वीडियो को ऊपर 3.8 के व्यू आ चुके हैं, दूसरे वीडियो ऊपर 1 लाख से ज़्यादा व्यू आ चुके हैं, तीसरे वीडियो ऊपर 37 के व्यू आ चुके हैं, तीसरे वीडियो ऊपर 80 के व्यू आ चुके हैं। आप देख सकते हो सारे वीडियो हजारों और लाखों में जा चुके हैं, और आपको तो पता ही है आपका एक भी वीडियो हजारों में लाखों रुपये चला गया तो आपका चैनल एक ही वीडियो से मोनेटाइज हो सकता है, और आप उससे पैसे भी कमा सकते हो। आपको सिर्फ 1.5 लाख व्यू चाहिए, आप 1.5 लाख व्यू कर दिए तो आपको जो क्राइटेरिया होता है 4,000 का, वो भी कम्प्लीट हो जाता है। और जो कि आपका वीडियो मिलियंस पर चला गया, लाखों में चला गया, तो आपको जो सब्सक्राइबर का क्राइटेरिया होता है, जो 1,000 सब्सक्राइबर होते हैं, जो 500 सब्सक्राइबर होते हैं, वो भी आसानी से कम्प्लीट हो जाती है। मैं आपको उनके वीडियो यहाँ से प्ले करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं आपको वो सब वॉइस कम कर देता हूँ या फिर मेरी जान तुम प्रॉपर शेप में बढ़ रही हो, यूं ही बढ़ती रहो। आप देख सकते हो इस तरह के वीडियो होते हैं, और आपको ही पता है कि इस तरह की वीडियो कितने ज्यादा चलते हैं। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि इस तरह की वीडियो कैसे बनाना है, आपको कैसे आपको एडिट करना है, और कैसे आपको बिना कॉपीराइट के यूट्यूब पर अपलोड करना है। सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और चैनल पे नए आओ प्लीज सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसको क्लिक कर देना। चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आप साइड पर देख सकते हो, तो मैंने वो स्क्रीन ऑन कर दे, और आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे यूट्यूब से उस तरह की वीडियो डाउनलोड करनी है, और कैसे आपको उस तरह की वीडियो अच्छी तरीके से एडिट करनी है। सो मैं अभी यूट्यूब पर मैं आ चुका हूँ, अभी मैं सर्च करता हूँ कार्टून मूवी इन हिंदी। तो मैंने सर्च करा, यहाँ से आपको बहुत सारी मूवी मिल जाती है, चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो ऊपर साइड पर 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करना है, सर्च पीडे को ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखा देगा क्रिएटर कॉमन्स का, आपको उसको ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। जैसे आपने अप्लाई करा तो यहाँ से आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं, यहाँ से आप कौन सा भी डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं करता हूँ इस वाले वीडियो को डाउनलोड, तो मैं क्या करता हूँ 3 डॉट को ऊपर क्लिक करता हूँ, शेयर पे जाता हूँ, और इस वीडियो को लिंक को कॉपी करके इस वीडियो को डाउनलोड कर देता हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता कि वीडियो कैसे डाउनलोड करते हैं, क्योंकि यूट्यूब के खिलाफ है। तो आप अपने मर्जी से और जिस तरीके से भी होती है, आप किसी वेबसाइट से एप्लीकेशन होती है उससे डाउनलोड कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको डाउनलोड कर देता हूँ, और बाद में आपको मैं एडिट करके भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जो वीडियो होता है उसको डाउनलोड कर दिया है, अभी मैं उस वीडियो को एडिट करने वालों का इन मास्टर्स है। पर आपके पास जो भी एप्लीकेशन होगा, जैसे कि वीएन हो गया, वीडियो हो गया, इन शॉर्ट हो गया, आप कौन सा भी एप्लीकेशन एडिट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास तो काइन मास्टर है, तो काइन मास्टर को अभी ओपन कर देता हूँ। तो मैं करता हूँ काइन मास्टर को ऊपर क्लिक, जैसे मैं क्लिक करा तो यहाँ से आपको सर इंटरफेस आएगा, आपको क्या करना है, क्रिएट नाउ को ऊपर क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ पर एक रेशियो दिखा देगा, जो कि हमारे यूट्यूब का रेशियो होता है, जो एक यहाँ पर रेशियो है 16:9, उसको सिलेक्ट नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, 9:16 को ऊपर क्लिक करना है, और क्रिएट को ऊपर क्लिक कर देना है। हम बनाने वाले हैं शॉर्ट वीडियो, जैसे कि आपको एक आइडिया आ जाएगा कैसे आपको एडिट करना है। तो मैं यहाँ पर एक इमेज ले लेता हूँ, जो कि ये होगा हमारा बैकग्राउंड। इसके मैं इस इमेज को 1 मिनट तक कर देता हूँ। 1 मिनट तक क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से बैकग्राउंड को बड़ा करना है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ इसको 1 मिनट तक, से इतना हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, जो वीडियो डाउनलोड करा हुआ है उस वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देंगे। मैं लेयर को ऊपर क्लिक करता हूँ, मीडिया पर जाता हूँ, और उस वाली वीडियो को यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ। स्कैप देख सकते हो, मेरा वो वीडियो यहाँ पर आ चुका है, पर परफेक्ट स्क्रीन पर नहीं लगा है। तो मैं क्या करूँगा, इस तरीके से इसको इसे जूम कर देता हूँ,
इतना होने के बाद जो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं करता हूँ डिलीट, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। वीडियो को क्लिक करता हूँ, ट्रिम पे जाता हूँ और ट्रिम लेफ्ट को ऊपर क्लिक करके बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है उसको डिलीट कर देता हूँ। बाद में इस वीडियो को ऐसे खींच के अगेन देख आऊँगा। यहाँ तक मेरा आ चुका है, यहाँ से हमारी एडिटिंग स्टार्ट हो जाती है। अभी आपको क्या करना है, इस पर वीडियो को ऊपर क्लिक कर देना है, बाद में आपको मिक्सर पे जाना है और यहाँ से आपको साउंड को इस तरीके से एडजस्ट कर देना है। फिर पैक आ जाना है, फिर को ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको थोड़ी स्पीड बढ़ा देनी है। बाद में आपके पीस को ऊपर क्लिक कर देना है। आपकी पीस को ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा कि जो वीडियो हमने फास्ट करी हुई है उस वीडियो को जो साउंड होता है वो फास्ट नहीं होगा, वो नॉर्मल रहेगा। इसके आपको मैं एक प्रूफ करके दिखा भी देता हूँ, तो मैं ऐसे आपको प्ले करके भी दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मेरा जो वीडियो है वो फास्ट हो चुका है, पर जो साउंड होता है वो फास्ट नहीं हुआ है। थोड़ा सेटिंग है जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इतना हो गया तो मैं क्या करता हूँ, फिर से वीडियो को ऊपर क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ और यहाँ पर आपको फिल्टर को ऊपर जाना है और जैसे आप कौन सा भी फिल्टर यहाँ पर ऐड कर देना है, तो मैं ये कर देता हूँ और इसको इतना में रख देता हूँ। बाद में आपको एडजस्ट में जाना है, ऐसे आपको इतना ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और सैचुरेशन इतना आपको बढ़ा देना है। इतना होने के बाद आपका वीडियो पूरा तैयार हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ से वॉइस ओवर कर देनी है, क्योंकि आपको ऐसे ही आपको वीडियो अपलोड नहीं करनी है क्योंकि आपको कॉपीराइट आ सकता है। आपको क्या करना है, रिकॉर्डिंग को ऊपर क्लिक करना है और स्टार्ट को ऊपर क्लिक कर देना है। जो आपने स्क्रिप्ट लिखी होगी उस स्क्रिप्ट को यहाँ पर से पढ़ना है और आपको ऑटोमेटिक ही वॉइस ओवर होना चालू हो जाएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने से वॉइस ओवर हो गया तो आपको स्टॉप को ऊपर क्लिक कर देना है, ऐसे आपको वॉइस ओवर हो जाएगा। बहुत आसान इस तरह वीडियो बनाना, आप आसानी से इस तरह वीडियो बना सकते हो। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप भी यूट्यूब पर अच्छे खासे अपलोड कर सकते हो और आप कुछ भी कॉपीराइट नहीं आएगा। और आपको मैंने बता भी दिया है इस तरह की वीडियो कितना ज़्यादा चलती है और उसको कितना ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलता है, तो आप इस तरह की वीडियो बना सकते हो और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हो, आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। तो दोस्तों आज के वीडियो याद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन उसको क्लिक कर देना। चलो मिलते हैं।